ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा गुरुर्देवो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरो परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरो परम परम आराध्य सद्गुरु अभिलाष देव जी का स्मरण करते हुए मंचासीन मुद मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय धर्मानुरागी भक्त सज्जनों, ममता मूर्ति भक्तिमयी माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, संतों के द्वारा घर परिवार को कैसे स्वर्गमय बनावें, बहुत ही मार्मिक विचार श्रवण कर रहे थे। थोड़ी देर आप लोगों के बीच मैं भी कुछ बातें प्रस्तुत करता हूँ। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है। साहब कहते हैं, भक्ति प्यारी राम की जैसी प्यारी आग। सारा पट्टन जरिमुआ बहुरी ले आवे मांग। हर इंसान को भक्तिवान होना चाहिए। और भक्ति कैसी हो? जैसे आग के प्रति प्रेम होता है, वैसे हमें सद्गुरु के प्रति प्रेम होना चाहिए। सद्गुरु आग के प्रति कैसे प्रेम होता है? जैसे कदाचित कभी घर में आग लग गई, चीजें जल गई, हाथ जल गया, फिर भी आग को त्यागा नहीं जाता, आग का फिर उपयोग किया जाता है। कितना महत्वपूर्ण आग है, कितना जरूरी, कितना प्रेम उससे है। घर जल गया, गांव जल गया, चीजें जल गई, हाथ भी जल गया, लेकिन पुनः भोजन बनाने की जरूरत जब पड़ती है तो आग का उपयोग किया जाता है, छोड़ा नहीं जाता। ऐसे ही हमें सद्गुरु विवेक बोध शांति साधना संपन्न संतों के प्रति ऐसे ही समर्पण भाव होना चाहिए। तब हम उनसे आत्म कल्याण की, मनोविकारों के नाश होने की और स्वरूप स्थिति की मर्यादा को निभा सकेंगे और उस दशा को प्राप्त कर सकेंगे। भक्ति सर्व गुणों की जननी है। भक्तिहीन व्यक्ति ना दयालु हो सकता है, ना क्रोध को जीत सकता है, ना लोभ मोह वासना को जीत सकता है और ना वो विवाद से बचा रह सकता है। और उसके जीवन में तमाम दोष दुर्गुण भर जाते हैं, लेकिन भक्ति के नाम पर तमाम प्रकार की अंध मान्यताएं भी हैं। भक्ति के नाम पर तथा कथित गुरु लोग भी ऐसे हैं जो आते हैं और कहते हैं कि आओ हमसे दीक्षा लो, हमसे मंत्र ले लो, फिर चाहे जो कुछ करते रहो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जो जो कुछ किसी भी ढंग से किसी से मंत्र कुछ भी ले ले, इससे बेड़ा पार नहीं होगा। बेड़ा पार करने के लिए तो सही तरीका होना चाहिए, सही साधन होना चाहिए और वो अच्छे शांति साधना संपन्न सद्गुरु मिले जो स्वयं निष्काम हैं और हमें भी निष्काम दशा को प्राप्त करने की सीख दे सकें। बिना रहने के वो लाभ नहीं होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति कह देता है कि बीड़ी शराब नहीं पीना चाहिए,
और अगर वो स्वयं पीता है तो उसके कहने का कितना लाभ होगा। एक बार एक जगह जाना हुआ, एक घर में वो सज्जन चाय पी रहे थे, उनके छोटे छोटे कई बच्चे थे, वे सब आ गए गिलास कटोरी लेकर के, पिताजी हमको भी चाय दीजिए, हमको भी चाय दीजिए। पिताजी डांटे सबको, नहीं चाय नहीं पीना चाहिए, चाय नुकसान करती है, चाय स्वास्थ्य खराब कर देती है, चाय बहुत गंदी चीज है और चाय से बच्चे बिगड़ जाते हैं। अब भाई तुम खुद पी रहे हो गंदी चीज को और जिससे स्वास्थ्य खराब होता है और बच्चों को सिखा रहे हैं चाय नहीं पीना चाहिए। तो पहले खुद हम उसका आचरण करें, कम से कम जो व्यवहार की बातें हैं उन चीजों को तो करना ही पड़ेगा। साधना की बातें, इंद्रियों पर विजय प्राप्त की बातें, स्वरूप स्थिति की बातें हम ना उतना जान सकें ना कह सकें, तो कम से कम व्यवहार की मर्यादा तो होनी चाहिए। जहां रह रहे हैं हम एक सात्विक शुद्ध इंसान दिख तो सकें, जिनके जीवन में दुर्व्यसनों की भरमार है, क्रोध का तांडव फैला हुआ है और दर दर लोभ मोह में फिसलते रहते हैं और थोड़ी थोड़ी बातों में, थोड़ी थोड़े हानि लाभ में पिचिर पिचिर करते रहते हैं, दुखी होते रहेंगे तो वे लोग क्या कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें अपने मन को कोमल बनाना चाहिए। कोमलता, मन की कोमलता ही भक्ति है। भक्ति का मतलब अंतःकरण का विनम्र होना, कोमल होना, और यह तब होगा जब हम किसी समर्थ सद्गुरु के प्रति समर्पण भाव रखेंगे तो अपने आप कोमलता आ जाएगी। बिना कोमलता के समर्पण भाव होता ही नहीं है, क्योंकि समर्पण के लिए अहंकार को पहले त्यागना पड़ेगा और अहंकार ही सबसे बड़ा बैरियर है। कल्याण के भवन में प्रवेश करने के लिए अगर ये बैरियर हमारे पास है, वो लगा हुआ है, तो हम चाहे जितनी ज्ञान की बातें कहते रहें और चाहे जितनी ज्ञान की बातें सुनते रहें और चाहे जितना हम टंट घंट करते रहें, जाप का, नहाने धोने का, पूजा पाठ का, तिलक चंदन का और दाढ़ी चोटी का और खूब करते रहें, लेकिन अंदर में भरा हुआ है। इसी अवध क्षेत्र में एक गांव में सदगुरु अभिलाष साहब जी से एक बार एक सज्जन ने कहा था, वे बड़े अच्छे थे, बड़े नियम से नहाते थे, टीका भी खूब लगाते थे, रामायण भी पढ़ते थे, लेकिन वो जब देखो जिससे भी गुर्राते ही रहते थे। तो गुरुदेव जी जब उनके यहाँ आए तो गुरुदेव जी से वे खुद कहते हैं कि साहब हमको लोग कहते हैं कि अहंकारी हैं, क्या आपों को लागत है कि हम अहंकारी हैं? तो गुरुदेव जी ने कहा कि इससे बड़ा और अहंकार क्या हो सकता है कि जो खुद अपने लिए पूछे कि क्या हम अहंकारी हैं, साहब आपों को लागत है। तो जब इतना सुने तो चुप हो गए। जो अहंकारी नहीं होगा उसको कोई अहंकारी कह दे तो स्वयं स्वीकार लेगा, हाँ भैया क्यों नहीं, ये भूल की जिंदगी है, मेरे में भी होगा दोष, क्यों नहीं, मैं त्याग रहा हूं, प्रयास करता हूं, मैं भी एक साधक हूं, भक्त हूं। ऐसा स्वीकार भाव जिसके अंदर होगा वो अहंकार का त्याग कर सके और वही व्यक्ति भक्ति निभा सकता है। लोग तो यही कहते हैं ना कि मैं फलाने के कारण दुखी हूं, क्या कहूं, मेरी पत्नी अगर ऐसा ना होती तो मैं सुखी होता, मेरा पति ऐसा ना होता तो मेरी जिंदगी समर गई होती, ये बेटा के कारण साहब मेरी नाक कट गई है, और फलाने फलाने पता नहीं किनके किनके लिए कहते हैं। कोई नहीं कहता है कि मैं अपने दोषों के कारण साहब दुखी हूं। जीवन में जितने दुख आते वे निज दोषों के कारण ही, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वह दोष मिटाना क्या जाने। अपने को हम ना सुधारें
तो चाहे जितना हम दूसरों को सुधारते रहें, हम सुखी नहीं हो सकते हैं। इसलिए सुधार स्वयं से शुरू होनी चाहिए। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। यह एक नारा गायत्री मिशन से चला था ना, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। अब इसका उल्टा कर दें, जग सुधरे तो हम सुधरें, ऐसा कहीं सुधार होता है? ना परिवार सुधर सकता, ना समाज सुधर सकता, और ना हम सुधर सकते हैं। सब केवल दुख 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 का बाजार चारों तरफ हो जाएगा। इसलिए स्वयं से शुरुआत होनी चाहिए। और स्वयं से शुरुआत कैसे करें? मैंने पहले ही कहा कि भक्ति सर्व गुणों की जननी है, सबको भक्तिमान होना चाहिए। और जब आप भक्तिमान हो जाएंगे तो आपका खान पान पहले शुद्ध होगा। जिसका भोजन नहीं शुद्ध है वो क्या और धार्मिक हो सकता है? धार्मिकता की पहचान तो कुछ होनी चाहिए हमारी। जो व्यक्ति अंडा मांस खाता है और वो धार्मिक भी बना रहे, कितने लोग होते हैं? एक बड़े प्रवक्ता रहे और एक सभा में गए और बहुत अहिंसा पर प्रवचन कर रहे थे और जीव दया पर प्रवचन कर रहे थे, और करते करते खूब पसीना पसीना हो गए और जेब से रुमाल निकाले और माथा पोंछने के लिए ऐसे दो अंडा गिर गया नीचे, और अहिंसा पर खूब प्रवचन कर रहे थे। ऐसे लोग धार्मिक हो सकते हैं? तो सबसे पहले हमें स्वयं सुधारना चाहिए, हमारा खान पान शुद्ध हो, हमारे भोजन में मानवीय चीज होनी चाहिए। मानव का क्या आहार है ये कोई शास्त्र बताएगा कि कोई प्रवक्ता बताएंगे? तब हम जानेंगे। अरे आपका शरीर बता रहा है, आपके अंग अंग बता रहे हैं कि आप शाकाहारी प्राणी हैं। आपके दांत, आपके नाखून, आपकी आंख और आपकी आंखें और आपके शरीर की प्रकृति, आपकी जीभ बता रही है कि आप शाकाहारी प्राणी हैं। आप कह सकते हैं कि साहब इसमें क्या अंतर हो गया है? आप तुलना कर लीजिए मांसाहारियों से। क्या कुत्ते जैसे आपके दांत हैं? कुत्ता मांसाहारी है ना। बाघ, शेर, बिल्ली, जितने भी मांसाहारी जानवर होंगे उनसे और शाकाहारी प्राणियों से, मतलब आपसे और जो भी अन्य प्राणी हैं, भिन्नता है कि नहीं? चाहे बैल हो, गधे हो, घोड़ा हो, भैंस हो, बकरी हो, कई जानवर हैं, ऊंट, हाथी, ये सब जानवर, ये सब अपनी मर्यादा में रहते हैं। उनकी प्रकृति जो है वो वैसे रहते हैं, और जो मांसाहारी वो वैसे रहते हैं। हम अपनी प्रकृति को पहचाने, हम भी रहते हैं कि नहीं? क्योंकि हम शिक्षित हैं, हमें तो और ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, धरती के सिर मुकुट प्राणी हैं, और हम ज्ञानी भी अपने को कहते हैं, अभी धार्मिक भी हैं। तो देखें कि हम भी ऐसे हैं कि नहीं। हमारे दांत क्या उन जानवरों जैसे हैं? उन जानवरों को रात में कम दिखता है जो मांसाहारी होते हैं? नहीं, उन जानवरों को रात में दिखता है, ज्यादा दिखता है, ताकि वो जंगलों में शिकार कर सकें। आपको रात के अंधेरे में दिखता है? शिकार करने के लिए कोई अवसर नहीं दिया है प्रकृति ने। और जो मांसाहारी जानवर हैं उनको पसीना नहीं आता है। आपको पसीना आता है कि नहीं? आता होगा। उन जानवरों के आंत छोटी होती है जो मांसाहारी हैं। मनुष्य की या अन्य शाकाहारी प्राणियों की आंत बहुत बड़ी होती है। इन सब अनेक तर्कों से आपका शरीर का अध्ययन करने से पता चलता है कि हम सब लोग शाकाहारी हैं। इसलिए हम सबको इन चीजों का, प्रकृति ने आपके लिए बहुत चीजें दी है, जानवरों के लिए नहीं। कितना सौभाग्य है, हर मौसम में आपको दो दर्जन प्रकार के फल मिल जाएंगे जो यहां से नहीं उपलब्ध है। ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा है, आज अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस से भी आ जाती है चीजें।
और अनाज गेहूं चावल आदि खूब प्रकार अनेक प्रकार की दलहन तिलहन और चीजों की भरमार है, और फिर भी इनको छोड़ करके आदमी मांस खाए। एक व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव जी इसी क्षेत्र में रहे, अब गांव का नाम मुझे याद नहीं है लेकिन इसी क्षेत्र की बात है, एक पंडित जी मिले गुरुदेव जी से और वे कहे कि महाराज आप क्या बहुत मांसाहार का खंडन करें, अरे हम शास्त्रों से सिद्ध कर सकते हैं कि मांस मनुष्य को खाना चाहिए। गुरुदेव जी ने कहा, अरे चील गिद्ध और लोमड़ी कुत्ते बिल्ली आदि तो बिना शास्त्र के ही वो सिद्ध कर रहे हैं कि हमें मांस खाना चाहिए, तो अगर कोई मनुष्य भी वही खा शास्त्र से सिद्ध कर रहा है तो कौन बड़ी बात हो गई, वो तो खा के सिद्ध कर रहे हैं, अगर हम भी वही सिद्ध कर रहे हैं तो उनसे बढ़कर के तो ना हुए हैं। अरे भाई सोचो, अपने शरीर को भी समझो और फिर पवित्रता और मर्यादा को भी समझो। तो इन बातों पर ज्यादा नहीं चर्चा करेंगे, बस समझने वाले के लिए थोड़ा काफी होता है, और हम अपने जीवन को पवित्र बनावें, जो जितना हिंसा से जुड़ी हुई चीजों से हम अपना संबंध रखेंगे लगाव रखेंगे, हमारे अंदर वो भावनाएं पैदा होंगी, कठोरता आएगी, और उतना ही हमारा अंतःकरण दोष दुर्गुणों को ग्रहण करने वाला बनेगा, इसलिए इन चीजों को हम त्यागें। तो कुछ लोग कहते हैं साहब दूध तो खाना पड़ेगा, और दूध भी मांस है, दूध मांस है। कुछ लोग ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि साहब मांस क्यों ना खाया जाए, जब दूध को खाते हैं तो मांस खाने में क्या हर्जा है। अच्छा तो ये बतावे ये कि दूध लेने में गाय को दिक्कत होती है कि उसका मांस लेने में, गाय भैंस बकरी कोई भी जानवर हो जिससे दूध लिया जाता है, दूध लेने में उसको प्रॉब्लम होती है, दर्द कष्ट पीड़ा होता है कि मांस लेने में? जाहिर सी बात है कि मांस लेने में उसकी जान निकल जाती है, उसको भयंकर दर्द होता है, पीड़ा होती है, भय होता है, वो भागना चाहता है, और दूध लेने में कौन सी दिक्कत है उसको? दूध ना लिया जाएगा तो उसको दर्द होने लग जाएगा, उसको असुविधाएं होने लग जाएगी, उसको कष्ट हो जाएगा, और फिर दूध सात्विक चीज है, दूध और दूध आपके मेहनत का फल है, आपने उसको खिलाया पिलाया तैयार किया, जो बैल है उससे अन्य काम लिए, और जो मादा है दूध देने वाले उससे बच्चे लिए दूध लिए और अपने बाल बच्चों को खिलाए पिलाए आप खाए पिए, अच्छी सी बात है, और इसमें पूर्ण शाकाहार है, पूर्ण शुद्धाहार है और अहिंसा है, इसलिए ये तर्क नहीं कहा जा सकता है कि दूध लेना भी मांस है। तो मैं कह रहा था कि हम अपने जीवन में सद्गुणों का प्रजनन करें, और जिसके अंदर भक्ति होगी उसी के जीवन में ये सृष्टि हो सकती है, सद्गुणों की सृष्टि। सद्गुरु कबीर ने एक जगह कहा है कि काहे कबीर सुनो हो संतो जिन्हें आ सृष्टि बनाई, छाण पसार राम भज बौरे भव सागर कठिनाई। ये पसारा को छोड़ो, यहाँ पर वो सृष्टि नहीं है कि सूरज चांद सितारे ग्रह नक्षत्र समुद्र पहाड़ पेड़ नदी झरनों को जिसने बनाया वो उसमें उलझ गया, हमारी अपनी बनाई हुई सृष्टि जो घर परिवार बाल बच्चे रिश्ते नाते पति पत्नी भाई बंधु अब बनाए और उसी में उलझ गए। बनाना ठीक है कि उसमें आप जन्मे हैं, अब आपका कुछ रोल हो गया है, उसकी जिम्मेदारियां उसके व्यवहार को निभावें, लेकिन उलझे नहीं, संभल संभल करके चलना है, जो संभल करके नहीं चलेगा वो गिरेगा, बहुत सावधानी की जरूरत है। जिंदगी में वही तो सुखी रह सकता है जो सावधानी से जीवन को जीता है, चलना संभल संभल के दो दिन की जिंदगी है, तो ये जिंदगी में हर जगह संभलना है, आप सब जगह संभलते हैं, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं झगड़ा ना हो जाए बाहर, कहीं आपका पैसा ना फंस जाए, और कहीं आपकी चीज ना कहीं जमीन ना फंस जाए, और जैसे बाहर आप संभलते हैं अपने लोगों में भी संभलना शुरू कर दीजिए,
प्रेम सबको दीजिए, भाई को भी प्रेम दीजिए, लेकिन संभल के रहिए, बहुत अपना वहां मत मन को समर्पित कर दीजिए इतना कि एक दूसरे में दरार होने लग जाए, एक दूसरे पर लदने लगेंगे और फिर दुख शुरू हो जाएगा। ऐसे पति पत्नी में मोह करेंगे, संभल के नहीं रहेंगे तो फिर एक दूसरे से एक दूसरे को फेंकने की भावना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही सास बहू में, देवरान जेठान में प्रेम करने के लिए कहा जाता है। संत लोग जो उपदेश करते हैं प्रेम करने के लिए कहते हैं, ना कि मोह करने के लिए। प्रेम और मोह की दूरी को समझना चाहिए। लोग या तो बैर करने लगते हैं या तो मोह करने लगते हैं। सदगुरु विशाल देव यहीं आपके पास के संत थे। एक बार सदगुरु अभिलाष साहेब जी उनके पास गए दर्शन करने के लिए। समय समय साल में दो बार लगभग जाते थे। तो एक बार गए दर्शन बंदगी के बाद बैठे और कुछ बातें शुरू हुई तो गुरुदेव जी ने उनसे पूछा कि गुरुदेव, द्वेष तो दुख है, द्वेष से पीड़ा मिलती है, क्या राग भी पीड़ा का कारण है? तो कहें, अरे राग तो दुख का बाप है। उनकी भाषा थी बाराबंकी क्षेत्र की भाषा। तो कहें, राग तो दुख का बाप है, राग करेंगे तभी द्वेष होगा, बिना राग के द्वेष कुछ नहीं है। राग माने मोह, मोह किए तो आप दुखी हुए। जिससे राग करेंगे, जिससे मोह करेंगे, उसके बिना, उसको देखे बिना, उसको छुए बिना, उसके पास बैठे बिना, उसकी बात सुने बिना, आपको चैन नहीं पड़ेगा। चाहे मित्र हो, चाहे पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, जहां मोह हो जाएगा वहीं शुरू हो जाता है और फिर मन बेचैन, अशांत, पीड़ित बना रहेगा। लेकिन जहां प्रेम होगा, सेवा करेंगे, कर्तव्य करेंगे और आप निश्चिंत रहेंगे। इसलिए भाई, मोह को घटाते चलो और अपने मन को भक्तिमय बनाओ, प्रेममय बनाओ, तब आपका जीवन सुखी बनेगा, हल्का बनेगा, निर्द्वंद बनेगा। तो हमारे बीच और भी संत गुरुजन विराजमान है, मैं उनके आशीर्वचनों को सुनने के लिए निवेदन करूं। और उपस्थित हैं आज, देखो हमारे बीच आए हैं बाराबंकी क्षेत्र से पूज्य श्रद्धेय संत श्री गुरु रमन साहेब जी। आप एक अच्छे विचारवान, वैराग्यवान, सच्चे संत हैं और आपसे मैं निवेदन करता हूं कि अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सदगुरु देव की जय।